फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे बड़ी बात जो तीन रोज पहले जो यहाँ पर हादसा हुआ, एक नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है और किसी भी काम के लिए वो बैकबोन होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर एक नौजवान ने का जो मामला पेश आया, उसके बाद कई सालों से हम ये देख रहे हैं, गुज़श्ता साल गुजरे उसके बाद भी कई अमवात यहाँ पर गिरना नदी में, नौजवान जो है यहाँ पर आकर जो है तैराकी का फंड लेते हैं और उसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इलाज से बेहतर एहतियात है। अब ये बात सोचिए कि नौजवान का जो इस वक्त जो है मुस्तकबिल, फ्यूचर बनने का वक्त होता है कि वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से किसी माहौल में डालकर अपना करियर बना ले। लेकिन आज ये बात समझ में आ रही कि उन माँ बाप से पूछिए जिनके लख्त जिगर यहाँ पर आकर जो है अपनी जान गंवा देते, कि बचपन से लेकर जो अपने माँ बाप उनको कांटा चुभने की तकलीफ के दर्द होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता, इस तरीके से वो जो है अपने लाल को पालते हैं और ये सोचते जब वो जवानी की उम्र में पहुंच जाता है तो माँ बाप उसके ऊपर फख्र करते हैं, रश्क करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है मेरा जो है अब सहारा बनेगा या मेरा सहारा है, उसके फख्र महसूस करते हैं। लेकिन वो नौजवान इस गलत राह रवि में लग कर अपनी जान को गंवा कर उनकी आंखों में जो आंसू का तोहफा दे गए, तो वो बताओ कितना खतरनाक। जिंदगी भर जो है जब जब वक्त गुजरता जाएगा धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू हमेशा छलकता रहेगा, क्योंकि एक नौजवान जो है उन्होंने खोया है। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहूँगा कि नौजवानों की बनने का टाइम है, आपके प्लेटफॉर्म को सही सिमतों में डालिए। आज के नौजवान नशा आवर, एक बात ये भी समझ में आ रही कि इंसान नशे की वजह से अपना ज़हनी तनासुब खो दे रहे और नशा करने के बाद यहाँ पर आते हैं, पानी देखते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं और यहाँ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देते हैं। तो मैं डिपार्टमेंट से भी ये बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो नशा आवाज चीज़ें जो शहर के अंदर गश्त कर रही हैं, जो बेची जा रही हैं, जो इनका कारोबार कर रहे हैं, उनको भी कसीर तादाद में सलाखों के पीछे होना चाहिए और ये सारी चीज़ों पर पाबंदी होना चाहिए। और दूसरी जो गैर जानबदार कारपोरेशन जो पूरी तरीके से नाकाम हो गई, उसने अब तक ये गिरना जो नदी यहाँ पर है उसके लिए क्या लवाजमात, क्या सिक्योरिटीज़ यहाँ पर मुहैया की है, ये आप खुद देखते हैं। कारपोरेशन सिर्फ ऐलान कर देती पेपर के जरिए और अनाउंस कर देती कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जो है जमा हो गया है, इस तरीके से लोग एहतियात करें, तो कारपोरेशन की भी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म बनाकर यहाँ लवाजमात मुहैया करे, और पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ मजबूती से नाकाबंदी कर जब भी यहाँ पर पानी आए तो वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे। और शहर के नौजवानों से यही अपील करूँगा कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट ने अभी अग्निवीर स्कीम जो है शहर के अंदर निकली हुई है, कि आर्मी के अंदर भर्ती होने का जो है काम चालू है, मैं मालेगांव शहर के आवाम से यही कहूँगा कि आप भी उस प्लेटफॉर्म में आइए, चार साल का वर्कआउट है वहाँ पर आइए, इंशाल्लाह सैटरडे से मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट जो है अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर का जो है आगाज सैटरडे से स्टार्ट होने वाला है, तो कसीर तादाद में नौजवान अपनी जहनीत को, अपनी काबिलियत को और अपनी सलाहियत को वहाँ डालकर अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश की। शहर के अंदर ये कई दहाइयों से ये चीज़ जो है मुसलसल एक फैशन बन चुका है कि नदियों, तालाब, ख़ासतौर से ऐसी जगह जहाँ पर मुसलमानों को, ख़ासतौर से नौजवानों को जाने से परहेज करना चाहिए, ऐसी जगह देखने में आता है हर साल बरसात के अयाम में, बारिश के मौसम में कम से कम 5 से 6, 2, 4, 5 लोग जो है नौजवान, ऐसे नौजवान जो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस घर में कमाने वाले एक ही होते हैं और उनकी फैमिली बड़ी होती है, ऐसे बच्चे जब इस मालेगांव शहर के बच्चे, हमारी कौम के बच्चे जब फौत हो जाते हैं और नदियों में बहकर अपनी जान को गंवा देते हैं, तो सबसे पहले तो पूरे शहर का ये अलमिया हो चुका है, पूरे शहर के जो उलमाए किराम, सोशल वर्कर और लीडरान को इस बात पर तवज्जो करना चाहिए कि ऐसा कब तक चलेगा। आज मालेगांव शहर में जो हादसा हुआ पिछले दिनों, आज तकरीबन तीसरा दिन है, लाश को ढूंढा जा रहा है, कहीं मिल नहीं रही है, उनके घर वालों का आप जो है हाल जाकर देखिए, वो हाथ में नहीं आ रहे हैं, इतना उनको सदमा लगा हुआ है, तो ये कब तक चलता रहेगा, ये पूरे कौम के नौजवानों को सोचना चाहिए। अभी मानव समाचार की टीम जो है पुलिस वालों से बात कर रही थी,
तो पुलिस वाले ये बात कह रहे थे कि हम सुबह से यहाँ पर जो है खड़े हुए हैं, पब्लिक को हटा रहे हैं, यहाँ माँ बहनें भी आ रही है, नौजवान बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग है, हर 5-5 मिनट में वो जो है पब्लिक को दौड़ाती है, पब्लिक दोबारा आ जाती है। तो आखिर क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मालेगांव शहर में पानी कभी देखने को नहीं मिलता? एक नौजवान जो लाश जो मिल रही है, क्या ये हमारे सामने नहीं है? ये आज कौम को सोचना है, खास तौर से नौजवानों को सोचना है। देखिए, जान जो है तो ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। अल्लाह ने ईमान वालों की जान और उसका माल जन्नत के बदले के अंदर खरीद लिया है। हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब की ये तालीम है कि हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जान की हमको खुद हिफाजत करनी चाहिए। आज अफसोस होता है कि एक माँ 9 महीना अपने बच्चे को पेट में रखती है, ज़िंदगी मौत की जंग लड़ कर के बच्चे को जन्म देती है, 2 साल अपना खून दूध की शक्ल के अंदर उसको पिलाती है, और जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो वालदैन की एक आस और उम्मीद की नज़र से वालदैन उसको देखते हैं कि अभी हमारा दस्त बाजू बनेगा। लेकिन अफसोस होता है कि नौजवान अपने वालदैन को भी नहीं देखते, अपने घर वालों को भी नहीं देखते और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। आज देख लीजिए, मालेगांव शहर के अंदर एक 25 साल नौजवान, मेरी तहकीक के मुताबिक उसकी शादी को 50 दिन हुआ था और उसने यहाँ पर आकर के ज़िंदगी क्या, पूरा शहर भी परेशान है और पूरे घर वाले भी परेशान हैं। तो मैं नौजवानों से ख़ास तौर से ये बात की गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने अहले खाना की तरफ देखिए कि आप तो आ करके यहाँ पर घर के आप हो गए, लेकिन आपके पीछे न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, कितने घर, मतलब पूरी ज़िंदगी वालदैन के पीछे रोना लगा करके आप चले गए। बहुत अफसोस की बात है। मैं उसके अहले खाना के गम में बराबर का शरीक हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मैं उसके अहले खाना की पुरजोर ताज़ियत करता हूँ। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ शेख साहब अभी मालेगांव में नहीं है, वो किसी काम से बॉम्बे में है, वो आएंगे तो भी वो उसके अहले खाना के घर पर वो ताज़ियत करने के लिए पहुँचेंगे। मैं मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग रात दिन मशक्कत करके उस तीन दिन पहले वाली लाश को ढूंढने में मसरूफ़ हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर तरीके से इनकी मदद फरमाए और अल्लाह ताला मरहूम को मगफरत फरमाए। और जो लोग भी, चाहे वो किला तैराक ग्रुप हो, शकील तैराक भाई हो, या और जितने भी लोग जिस तरीके से भी लगे हुए हैं, जिस तरीके से भी लाश को तलाश करने में लगे हुए हैं, और जो सोशल वर्कर ग्रुप भी, और जो माँ बहनें अपनी दुआ में मुसलसल दुआएं कर रही है, इन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक मरतबा फिर आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर तरीके से हमारी मदद फरमाए। देखो, हमारे मालेगांव शहर के किले के नौजवान बच्चे, एक नौजवान लड़का गिरा है और 27-28 साल का है, और तीन दिन से रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि ये बच्चे की मेहनत कहीं जाने वाली नहीं है। नौजवान किला ग्रुप की तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं। उनको तैरा के इसमें कोई नाम बोल सकते हैं? अच्छू भाई है हमारे, तारा भैया है, हमारे तारे हैं, हमारे अपने जूनियर भाई, उनका एक लड़का है, पाते हैं, और हमारे बहुत देर है, पूरे हैं, अपने मुझे अपना बिल्कुल दादा है, अपना वो है, और शकील कुरैशी के छोटे लड़के हैं। आज हम दुआ कर रहे हैं कि आज रात तक हमारा ये बच्चा हमारे पास आना ही आना है।